देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छा है। इसमें कह रहे हैं कि मोमेंटम जो है आपका 50% इंक्रीज हुआ है। मोमेंटम आप जानते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ये 50% इंक्रीज हुई है। तो जाहिर सी बात है, मास भी है इसके अंदर, वेलोसिटी भी है, तो मास तो हुआ नहीं होगा, वेलोसिटी ही होगी। तो कह लगे काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज, यानी काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। मोमेंटम इंक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है, मास तो है नहीं, मास तो कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी ही आपकी इंक्रीज हुई होगी, तो काइनेटिक में क्या होगा? तो क्या करना है, एक संबंध स्थापित कर लेना है। आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एमवी स्क्वायर, और मोमेंटम किसके द्वारा देता है कि मास इंटू वेलोसिटी। एक मास कम पड़ रहा है, आप इसमें ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, यानी आपका काम बन गया। आपने कहा कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टू है। किसी बॉडी का मास तो चेंज होगा नहीं, जाहिर सी बात है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम के। जब भी आपको इंक्रीज या डिफरेंस निकालना होता है तो बड़े आराम से हम निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, जो उसमें चेंज हुआ है और जो उसका ओरिजिनल है, बस इसको निकाल के 100% से गुणा कर लीजिए। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज आया है, या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो सब इसी से निकल आता है। यानी कि चेंज, आपने कहा इंक्रीज हुआ होगा तो फाइनल, जाहिर सी बात है फाइनल ज्यादा होगी इनिशियल से, और ये ओरिजिनल अर्थात इनिशियल से आप डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो आपने कहा कि सर पहले हमारे पास ये था और ये पी था। ठीक, दोबारा क्या हुआ? क्या दोबारा जो है, जो पी है वो 50% बढ़ गया, यानी जो अगर ये पी था इसमें इजाफा हो गया है 50% पी का। और ध्यान दें, मोमेंटम का स्क्वायर है, मोमेंटम का स्क्वायर है, तो थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए। पी बड़ा है, हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, एम राइट? बच्चों को यही हल्की सी दिक्कत होती है, जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ परसेंटेज लिख दिया कीजिए, और जो पावर आवर है वो ऊपर लिख दिया कीजिए। ठीक, बस कभी गलती नहीं होगी। ये हो गया 2, तो 1/2 एम राइट, पी इक्वल टू पी बाई 2 का स्क्वायर। अब इतना तो कर ही लोगे, 2 LCM है, 2 + 1 = 3, यानी कि आपने कहा कि जो फाइनल होगा हमारा वो 3/2 पी का स्क्वायर होगा। बस काम बन गया आपका, इनिशियली आपके पास ये आया और फाइनल आपके पास ये आया। इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फार्मूले में, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज लॉस गेन प्रॉफिट लॉस सब यहीं से निकलता है। फाइनल कितना है, स्क्वायर कर दिया जाए इसका, 9/4 पी स्क्वायर। इनिशियल क्या था बेटा आपका? पी स्क्वायर था। अपान के आई कितना है? पी स्क्वायर। परसेंटेज में चाहिए था तो 100% कर दिया। तो भाई साहब, पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 9/4 -1/ पी स्क्वायर इंटू 100%, ये कैंसिल हो गया, एलसीएम 4 आया, क्या हो गया? 9 -4/4 × 100%। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 25, और 9 में से 4 गए 5 × 25 बराबर 125%। तो जो भी चेंज होगा, अगर मोमेंटम में 50% चेंज हुआ है, तो जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो
कितना होगा, इंक्रीज होगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 125%, 125% आपको इंक्रीज होके मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा। तो आपका कभी गलत होने के चांस नहीं रहेंगे।